नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिपार्टमेंट मैनेजमेंट के बारे में। डिपार्टमेंट मैनेजमेंट क्रिएट कैसे किया जाता है, आपको राइट साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा क्रिएट न्यू डिपार्टमेंट, उस पर आपको क्लिक करना रहेगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपको एक मैसेज देगा कि वंस डिपार्टमेंट क्रिएट कैन नॉट बी रिमूव। एक बार अगर आप डिपार्टमेंट बना देंगे तो उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। एक बार बनाने के बाद गॉट इट करते हैं अपन। उसके बाद डिपार्टमेंट नेम आपको पूछ रहा है, आपका डिपार्टमेंट का नाम रख दीजिए। अब नाम में क्या आएंगे, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बात करूं तो जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस में डिपार्टमेंट होते हैं जिसके अंदर स्टैंडर्ड्स बांट दिए गए होते हैं। जैसे प्री प्राइमरी के अंदर नर्सरी, LKG, Junior KG आ जाते हैं, और प्राइमरी डिपार्टमेंट होगा उसके अंदर फर्स्ट टू फिफ्थ या तो फर्स्ट टू एट स्टैंडर्ड्स आते हैं, तो वो डिपार्टमेंट्स होते हैं। आपको यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट का नाम रखना रहेगा। अगर उसका डिस्प्ले भी नहीं आपको कुछ दिखाना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, पर कंपलसरी नहीं है। अगर आप सिर्फ नेम ही रख देंगे डिपार्टमेंट का तो भी हो जाएगा। आपको नेम जैसे ही लिखेंगे आप क्रिएट करेंगे नेम, डिपार्टमेंट क्रिएट हो जाएगा आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, ये मेरे स्कूल के स्टैंडर्ड्स है। अब दिख कर रहे हैं डिपार्टमेंट, राइट साइड में आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट दिखेगा। यहाँ से भी डिपार्टमेंट हम चेंज करके स्टैंडर्ड्स क्लासरूम देख सकते हैं, जब हम क्लासरूम या स्टैंडर्ड देख रहे होंगे। और डिपार्टमेंट आपका यूज़ इस तरीके से रहता है। आप इसको एडिट कर सकते हैं नाम को, बट डिलीट नहीं किया जा सकता, जैसा कि मैसेज हमने क्रिएट के टाइम देखा था। थैंक यू।